गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विकास सर, सीपीसी करियर प्लान क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 10th क्लास केसे सिन्हा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 16 से। आप जो भी क्वेश्चंस बनाते हैं उसको रिवाइज जरूर करें, और जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट, बहुत आसान है ना। क्या दिया है? बिंदुएं जिसका नियामक 2, -3 और 5, -6 को जोड़ने वाली रेखा खंड को एक्स अक्ष किस अनुपात, मुख्य रूप से आपको इसी को समझना, एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। सबसे पहले यह समझिए, दो बिंदु है जिसका नियामक, ए का नियामक कितना 2, -3, बी का कितना 5 और 6 दिया गया है ना। ये तो ए भी एक रेखा खंड है जिसको पी एक ऐसा बिंदु है जो x अक्ष पर स्थित है। x अक्ष पे तो x अक्ष पे स्थित किसी बिंदु का नियामक कितना होता है, x, 0 होता है, x, 0 होता है। पी एक बिंदु जो x, 0 है, जो कि कहता है m:n के अनुपात में डिवाइड करता है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x का वैल्यू नहीं लीजिएगा, x बराबर नहीं लीजिएगा, क्या लीजिएगा y बराबर लीजिएगा, क्या लीजिएगा y बराबर लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए कैसे बनाते हैं। माना कि P जिसका नियामक x, 0, x अक्ष पर स्थित बिंदु है जो A जिसका नियामक 2, -3, B जिसका नियामक 5, 6 से बनी रेखाखंड AB को m:n के अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। P AB का AB को क्या करती है, विभाजित करती है। इसलिए अब ध्यान दीजिए, हम विभाजन सूत्र से निकालते हैं, यहां से हम y बराबर लेंगे क्योंकि x का मान यहां भी नहीं पता है और ना ही m है ना ही n है, और रेशियो 2 में होता है 3 में होता है नहीं, इसलिए ज्ञात करना संभव नहीं है। अब ध्यान दीजिए, y का मान यहाँ क्या है, 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा, m:n का रेशियो में प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हमने क्या लिया, चूंकि y बराबर क्या होता है, m/2 + n/1 / m+1, y का मान कितना है 0, m का तो मान निकालना है, y2 आप कितना लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका y2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y2 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा। m/2 का मान कितना 6 + n/1 का मान कितना -3 / m+1, ये इधर 0 में गुना जाएगा, क्या हो जाएगा 0, इधर कितना हो गया 6m - 3n, इसको मैं क्या कर दिया, इसको भेज दिया LHS में, तो -6m = -3n। अब ध्यान दीजिए, m पहले से इधर है, बटा में लेकर के चला है n, इधर कितना बचा -3, इधर से बटा में लेकर के चला गया -6, पहले -+ हो गया, 3 × 2 = 6, क्या हो गया 1/2, इसलिए m:n का मान कितना हो गया 1:2 हो गया। अतः PAB को कितना 1:2 के अनुपात में अंतर विभाजित करती है। अब थोड़ा सा समझिए, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका जो दिया गया उसमें हमें कह रहा है कि x का मान भी ज्ञात करें। तो पहले क्वेश्चंस आप बनाएं, x का मान आप कैसे ज्ञात कीजिएगा, अब आपका m:n का मान प्राप्त हो गया है, तो आप x वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, क्या लगाइएगा, m:x2 + n/x1 / m+n, है ना, m और n का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपका x का मान ज्ञात हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन में आपको कह दे कि y अक्ष पे काटती है, तो y अक्ष पे काटने पर आप क्या लीजिएगा, नियामक लीजिएगा 0, y लीजिएगा, 0, y लीजिएगा, क्योंकि y अक्ष पे कोई भी बिंदु होता है उसका नियामक कितना होता है 0, y होता है, y का मान कुछ होता है ना, 0 तो x, y अक्ष पे क्या होता है 0 होता है। तो आप इस प्रकार से लेकर के 16 का दो क्वेश्चन और है, 2 और 3 उसको बना लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, बहुत आसान है। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत आसान है ना। इसमें हमें क्या दिया गया है, 3 बिंदु दिया गया है जिसका निर्देशांक कोऑर्डिनेट दिया गया है, और हमें सेंट्रोइड यानी केंद्रक या गुरुत्व केंद्र का क्या पूछ रहा है, नियामक पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये समझिए कि गुरुत्व केंद्र होता है, ऐसे मैं पहले बता चुका हूँ, सबसे पहले ये समझिए गुरुत्व केंद्र होता है क्या, कहते हैं किसे। तो आप उसके पहले समझने के लिए आपको माध्यिका समझना पड़ेगा, माध्यिका क्या होता है ये समझिए। माध्यिका हम लोग किसे कहते हैं, तो किसी त्रिभुज के, मैंने क्या बोला, किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष और उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखाखंड क्या होती है, माध्यिका होती है। और शीर्ष कितने होते हैं, 3 होते हैं, भुजा कितनी होती है, 3 होती है, इसका मतलब माध्यिका कितने होंगे, 3 होंगे, और तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर विभाजित करती है वो क्या कहलाती है, सेंट्रोइड कहलाती है, केंद्रक कहलाती है, गुरुत्व केंद्र कहा जाता है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे आपका ABC एक त्रिभुज दिया गया है ना, तो त्रिभुज के ABC क्या है, शीर्ष बिंदु है, इसके सम्मुख भुजा AB और B के सम्मुख भुजा AC और C के सम्मुख भुजा क्या है, AB है। अब ध्यान दीजिए, अब क्या है, इस शीर्ष A और शीर्ष B के, शीर्ष A और शीर्ष B के मध्य बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखा खंड क्या कहा, माध्यिका है। फिर ये भी क्या हो जाएगा, माध्यिका है, ये भी क्या हो जाएगा, माध्यिका है, और माध्यिका है जिस बिंदु पर मिलती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं,
केंद्रक कहते हैं। और माधिकाएं, माधिकाएं ध्यान दीजिए, ये माधिकाएं क्या करती है, दो अनुपात एक, है ना, दो अनुपात एक, ऊपर वाला कितना है दो, तो नीचे वाला कितना एक, दो अनुपात एक के अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। हमें क्या करना है, केंद्रक ज्ञात करना है। केंद्रक का फॉर्मूला आप क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, केंद्रक अगर इसको मैं x और y मानता हूं तो x बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, और y बराबर होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 by 3। बहुत आसान है जनाब, है ना। चलिए इसी का प्रयोग हम लोग करते हैं। क्या दिया गया है, माना कि त्रिभुज ABC, ये आपको क्वेश्चन दिया था, त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष का नियामक या निर्देशांक या कोऑर्डिनेट, ए का मान कितना 2.4, बी का कितना 6.4, सी का कितना 2 और 0 है। एक्स जिसका नियामक कितना एक्स और वाई है, जी जिसका नियामक कितना है एक्स और वाई है, त्रिभुज के क्या है केंद्रक है। तो आप बताइए जी जो मान होता है एक्स और वाई, उसमें एक्स बराबर क्या होता है, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री, वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 + 6 + 2 बटे 3, 10/3 हो गया। वाई बराबर क्या होता है, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री, कितना हो जाएगा 6 + 4 + 4 + 0 4 + 4 + 0 = 3 4 4 8 8/3। अतः केंद्रक जी का नियामक कितना हो गया 10/3 / 8/3। बहुत क्वेश्चन बहुत इजी था, बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है किसी त्रिभुज के शीर्ष दिया गया है, तीनों शीर्ष दिया गया, प्रत्येक माधिका की सम त्रिभाजक बिंदु जो सम्मुख भुजा के निकट है के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपसे मैं सम त्रिभाजक, तो हमें आपको क्या बताया कि इसके जो माधिकाएं होती क्या कहती है, दो अनुपात एक। तो आप बताइए टोटल कितना है, तीन है ना, ये कितना है तीन है ना, तो हमें क्या ज्ञात करना है, यही केंद्रक है ना। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 18 में भी क्या ज्ञात करना है, केंद्रक ही ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी आप बना लीजिएगा, है ना, क्वेश्चन नंबर 18 भी आपसे बन जाएगा। 19 नंबर में कह रहा है किसी त्रिभुज के दो शीर्ष दिया गया इतना और इतना, यदि उसका केंद्रक इतना है तो तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए। चलिए इसको मैं थोड़ा सा बना देता हूँ, हेल्प कर देता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 19 जैसे आपने बनाया 17 बनाया, सेम उसी प्रकार 18 बनेगा, है ना, और सेम उसी प्रकार 19 बनेगा, सिर्फ इसमें फाइंड जो करना है वो थोड़ा सा अलग है। इसमें उसमें हमें क्या दिया था, केंद्रक ज्ञात करने क्या था, इसमें केंद्रक दिया हुआ, इसमें एक तीसरा शीर्ष ज्ञात करने के लिए, लेकिन प्रोसेस वही रहेगा। चलिए ध्यान दीजिए, कह रहा है कि किसी त्रिभुज के दो शीर्ष 1.4 और 5.2 है, यदि केंद्रक का मान कितना दिया है 0.-3, तो तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए। मैंने वही काम किया, एबीसी एक ट्रायंगल है जिसके ए का नियामक कितना 1.4, बी का कितना 5.2, और सी को मैंने मान लिया x3/3 मान लिया, है ना, और केंद्रक जी का मान कितना है 0.-3 दिया हुआ। सेम उसी फॉर्मूला का आप प्रयोग कीजिए। क्या लिखा, माना कि त्रिभुज एबीसी एक, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसके शीर्षों का नियामक ए का मान कितना 1.4, बी का 5.2 तथा सी का x3/3 है, जी जिसका नियामक कितना 0.-3, त्रिभुज एबीसी का क्या है, केंद्रक है। चूंकि x बराबर क्या होता है, केंद्रक के लिए x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और x का मान कितना है 0 दिया गया, x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 x2 का वैल्यू पुट कर दिए, 0 में गुना होगा 3 क्या हो जाएगा 0, 5 × 6 = 0 बराबर 6 प्लस x3। अब ये चला जाएगा इधर, तो x3 बराबर कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। तथा y बराबर क्या होता है, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 होता है, y का मान कितना दिया है -3, मैंने पुट कर दिया, y1 का वैल्यू कितना 4, बाई 2 का मान कितना 2, बाई 3 का मान कितना है बाई 3 है बटे 3, 3 3 कितना हो जाएगा -9, 4 2 कितना हो जाएगा 6 प्लस बाई 3, इसको इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा -6, तो 9 6 कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा। अतः सी का नियामक क्या हो गया -6, -15। बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 नंबर भी सेम क्वेश्चन है, बन जाएगा इसी पर का, तीसरा शीर्ष ज्ञात करने के लिए कह रहा है। 21 नंबर थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा चेंज किया है। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, आप पीछे क्वेश्चंस मैं जो क्वेश्चंस बताया उसके बाद से लेकर के क्वेश्चन नंबर 28 तक, 28 नंबर तक के, है ना, मैं पिछले वीडियो में बना चुका हूँ, बता चुका हूँ सारा क्वेश्चंस कैसे बनेगा, मैं समझा भी चुका हूँ, आप देख लीजिए सारा क्वेश्चंस बन जाएगा, सेम वही क्वेश्चंस है उसी प्रकार से बनेगा। चलिए मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 29, है ना, पीछे जितना भी क्वेश्चन मैं छोड़ा हूँ सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। थोड़ा सा आप माइंड लगाइएगा और कुछ भी ज्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा चेंज करना है बस, है ना। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है, चलिए ध्यान दीजिए, दिया है यदि 6.8, 3.7 और -2 -2 एक समानांतर चतुर्भुज के तीन क्रमागत शीर्ष है
तो चौथा शीर्ष ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप ये समझिए कि समानांतर चतुर्भुज एबीसी एक समानांतर चतुर्भुज है जिसके ए का नियामक 6.8, बी का 3.7, सी का -2 -2 दिया है। मैंने क्या मान लिया, डी का मान लिया कितना, x, y, जो मुझे फाइंड करना है। अब समझिए इसका विकर्ण क्या है, एसी और बीडी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि समानांतर चतुर्भुज हो या सम चतुर्भुज हो या वर्ग हो या आयत हो, सभी के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, दो बराबर भागों में बांटते हैं। अब समझिए ये बराबर ये होगा और ये बराबर ये होगा, इसका मतलब ये तो जरूर होगा कि ये जो बिंदु ओ होगा है ना, इस लाइन पे भी होगा, एसी पर भी होगा और बीडी पे होगा। तो इस बिंदु ओ जो है इस एसी के क्या है, मध्य बिंदु है। तो इस बिंदु ए और सी का कोऑर्डिनेट मालूम है, ओ का मान ज्ञात कर लीजिए। फिर अब ध्यान दीजिए पुनः बीडी पर भी तो वही बिंदु है, तो बीडी के लिए भी वो क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट पुट करके आप डी का वैल्यू ज्ञात कर लिए। सिर्फ आपको क्वेश्चन में ये पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन बनता कैसे है, अगर ये पता हो जाता है तो क्वेश्चन बनाना आसान है। चलिए ध्यान दीजिए, माना कि त्रिभुज चतुर्भुज एबीसीडी एक क्या है, समानांतर चतुर्भुज है जिसके शीर्ष ए 6.8, बी 3.7, सी -2 और -2 है, डी जिसका नियामक कितना x, y है। अब ध्यान दें चूंकि विकर्ण एसी और बीडी बिंदु ओ पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करती है। अब ध्यान दीजिए यहां लिखा एसी का मध्य बिंदु क्या है, ओ है, इसलिए ओ का नियामक मैंने ज्ञात कर लिया एसी से, x1 + x2 / 2 और y1 + y2 / 2 यहां से मैंने पुट कर दिया, 6 ± -2 8 ± -2 कितना हो गया, 4 4/2 यहाँ पर कितना हो गया, 6 6/2 यहाँ कितना हो जाएगा, 2 ये कितना हो जाएगा, 3 2.3 इसका नियामक आपको प्राप्त हो गया, ओ का कितना हो गया 2.3। अब ध्यान दीजिए आप बीडी को देखिए, अब बीडी के लिए ओ क्या है, मध्य बिंदु है। तो आप बताइए कि मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 / 2 और y1 + y2 / 2 वही मैं पुट कर रहा हूं। पुनः बीडी का मध्य बिंदु क्या है, बीडी का मध्य बिंदु भी क्या है, ओ है। अब ध्यान दें x बराबर क्या होता है, x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2 मैंने x का मान, अब ध्यान दें x का मान जो इसका मूल बिंदु है ना, ये ना मध्य बिंदु है, 2 है, मैंने पुट कर दिया, प्लस इसका मान कितना 3, इसका मान कितना x, मैंने पुट कर दिया, 2 × 2 = 4 3 + x इधर जाके घटेगा, x का मान कितना बचेगा 1 बचेगा। y बराबर इसी प्रकार ज्ञात कीजिए, y का मान कितना है 3 है, प्लस y1 का मान कितना है 7 है, y2 का मान कितना है 2 है, 3 × 6 इधर जाकर के क्या हो जाएगा घट जाएगा, कितना बचेगा -1। अतः तीसरा शीर्ष d का नियामक कितना हो गया, 1, -1 हो गया। बहुत क्वेश्चन आसान था। अब ध्यान दें 30 नंबर में कह रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज के 3 क्रमागत शीर्ष इतना 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 दिया, चौथा शीर्ष ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, सेम उसी प्रकार से आप प्रयोग कीजिएगा। अभी मैं बताया सम चतुर्भुज का है, चाहे सम चतुर्भुज हो, आयत हो या वर्ग हो, है ना, या फिर आपको समानांतर चतुर्भुज हो, सेम सब इसी प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है एक चतुर्भुज के शीर्ष दिया गया है, दिखाएं कि इस चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदु एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष होते हैं। चलिए मैं 31 नंबर क्वेश्चन बता देता हूँ, है ना, चलिए ध्यान।